गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम बात करने जा रहे हैं अगले पाठ यानी कि पाठ क्रमांक 12 जो कि है संसार पुस्तक है। संसार पुस्तक के ये जो पाठ है वो एक पत्र रूप में लिखा गया है। वास्तव में ये एक पत्र का ही एक अंश है, वो पत्र जो नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखे थे। तो इन पत्रों को जब एकत्र किया गया है, एक पुस्तक के रूप में एकत्र किया गया है और उन्हीं पत्रों के अंश में से यह एक पत्र हमारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। तो चलिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये पाठ क्रमांक आप देख सकते हो, पेज क्रमांक 100 पाठ क्रमांक 12 है और यह आपके पेज क्रमांक 87 यानी 87 पर दिया गया है और इस प्रकार से कुछ उसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर पहले ही प्रश्न पर दर्शाया गया है कि जो नेहरू जी हैं वो अपनी पुत्री को इस पत्र के द्वारा संसार की उत्पत्ति के विषय में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार संसार बहुत बड़ा है और इसमें अलग अलग देश हैं और इंग्लैंड को उन्होंने एक छोटा सा टापू देकर संबोधित किया है और बताया है कि ऐसे कई सारे देश हैं और साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी जो धरती है वो बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, इस बहुत बेहद गर्व थी, फिर बाद में जाकर इस पर जीवन का अस्तित्व आया है, फिर साथ में उन्होंने पहाड़ नदियों पर्वत आदि को इसके अक्षर कहा है और कहा है कि प्रकृति की हर एक वस्तु इसका एक अक्षर है जो इस प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ने में हमारी मदद करता है। यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने संसार की तुलना पुस्तक से की है, और इसमें उपलब्ध जो चीज़ें हैं जैसे तारे, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, वे सारे इसके अक्षर हैं जो हमें इस पुस्तक को पढ़ने में मदद करते हैं। ये हुई है और साथ ही इन्होंने एक पहाड़ के से टूटने वाले चट्टान के एक छोटे से टुकड़े को, एक रोड़े को, एक उसकी कहानी बताई कि किस प्रकार एक बड़ा पहाड़ का चट्टान का वो टुकड़ा होता है, टूटता है, नदी पानी के साथ बहकर आगे बढ़ता है, नदी के साथ बहता है, आसपास किनारों से रगड़ खाता है, घिसता है तली में और चिकना होते होते अंत में एक बालू का जर्रा बन जाता है, रेत का कण बन जाता है और किसी सागर के किनारे आकर थम जाता है और वह थम जाने के बाद उस रेत के कण से बच्चे बालू के घरौंदे बनाते हैं रेत के और खेलते हैं। तो ऐसे ही एक जिस प्रकार एक रोड़ी की कहानी है, ऐसे संसार में प्रकृति की हर एक चीज़ की कहानी है। तो ये पाठ में ये सब बताया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देखोगे लेखक के बारे में जो दिया गया है, ये जो इस प्रकार से दिया गया है बॉक्स में, वो जानकारी भी पढ़ लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, हमने कहा कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया ये पत्र है, लेकिन इन पत्रों को जो लिखे गए हैं वो वास्तव में इंग्लिश में लिखे गए थे, अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद किया था प्रेमचंद जी ने, ये हमें याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने नेहरू जी के जन्म मृत्यु का तिथि यानी कि टाइम दिनांक दी गई है, तो वो याद रखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 14 नवंबर जो नेहरू जी का जन्मदिन है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। फिर उन्होंने जो है उनका मृत्यु जो है वो 27 मई 1964 यानी 1964 को हुई थी। तो ये तो पाठ संबंधी अभ्यास था। इसके बाद जब आप व्याकरण संबोध में देखोगे तो आपको दो अभ्यास दिए गए हैं यहाँ पर भाषा की बात में, तो आपको दो चीज़ें याद करनी है, एक तो योजक शब्द और एक प्रत्यय। तो योजक शब्द क्या होते हैं वो समझ लीजिए, योजक शब्द वो होते हैं जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा रामू और श्यामू मित्र हैं, तो रामू और श्यामू के बीच में मैंने लगाया और, ठीक है, उसे चाय एवं कॉफ़ी दोनों ही पसंद है, चाय एवं, वो भी योजक शब्द है क्योंकि वो जोड़ने का काम कर रहा है। मैं आना चाहता था परंतु समय नहीं मिला, परंतु दो वाक्यों को जोड़ रहा है, योजक है। तो योजक शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे कि चमक धन ईला, तो चमकीला, रोग धन ईला, रोबीला, है ना। फिर उसी प्रकार सफल प्लस ता, सफलता। तो यहाँ पर उन्होंने चमक धन ईला चमकीला वाला प्रत्यय देकर बताया है कि ईला लगाकर आपको और शब्द बनाना है, तो आप बना सकते हो कट धन ईला कटीला, रस धन ईला रसीला, इस प्रकार से शब्द बनाने हैं। तो कुल मिलाकर इस पाठ में आपको
उनके लेखक का नाम, विधा, विषय, महत्वपूर्ण तथ्यों को और व्याकरण में सिर्फ दो बातों को याद करना है, योजक शब्द और प्रत्यय को। पाठ का वाचन कीजिए, अपनी अभ्यास को दोहराइए जो आपने अपनी कॉपी में लिखबद्ध किए हैं, और वीडियो देखिए, और फिर भी कोई दुविधा हो तो हमसे लाइव क्लास में पूछिए। हम मिलेंगे आपसे अगले पाठ के अभ्यास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।